डेप्थ ऑफ फील्ड का ये कॉन्सेप्ट है जो आप पूछ रहे हो, मैं आपको शॉर्ट में हाँ बताता हूँ, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड हमने अब तक कवर नहीं किया है। हमारे ISO के बाद में डेप्थ ऑफ फील्ड कवर करना है। अभी अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपको ये माइक भी क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं भी क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, और बैकग्राउंड जो है वो भी क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट। अब आप अगर कैमरा हो, आप मुझे यहाँ से देख रहे हो ना, तो ये मेरा कैमरा है। अब आप भी, आपने ये आंखों की तरह काम कर रही है कैमरा। तो अगर इस कैमरा की जगह आप हो तो आपके लिए ये बन गया फोरग्राउंड, फोरग्राउंड में बन गया सब्जेक्ट, अगर आप मुझ पे फोकस कर रहे ठीक हो, है, अब और पीछे ये बन गया बैकग्राउंड बैकग्राउंड। तो 3% है, करेक्ट फोरग्राउंड, या 10 क्लियर सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड। लेकिन करेक्ट अगर आपने सब्जेक्ट मेरे ऊपर ही अगर ना सब्जेक्ट पॉइंट फोकस किया हुआ है, बैकग्राउंड तो भी गया। बैकग्राउंड गया, मैं सब्जेक्ट पीछे बैकग्राउंड। अब ये चीज नहीं है, इसको मैं अगर हटा देता हूँ मेरे केस में से, तो आपके लिए सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दो ही चीजें पड़ी, राइट। अगर आपने फोकस, अभी तीनों चीजें हैं, आपने फोकस यहाँ पर किया इस माइक के ऊपर, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बन गया, और मैं और ये बैकग्राउंड दोनों बैकग्राउंड काम करेंगे, आगे फोरग्राउंड कुछ है ही नहीं, राइट। अब सेम अगर आपने पीछे वाला सब्जेक्ट, ये जो बैकग्राउंड है इसको आपको सब्जेक्ट रखना है, तो तो वो आप सब्जेक्ट है ये ये सारे फॉर फोरग्राउंड। फोरग्राउंड है। हाँ वही मैं कह रहा था, इसमें ये सामने फोरग्राउंड ब्लर हो गया और उसने हाँ, बैकग्राउंड पे फोकस कर दिया है। अभी इसने क्या किया है, टेली शॉट उसने क्लिक करने की कोशिश की है, क्योंकि ये टॉय ट्रेन है जो बहुत दूर थी। अब टॉय ट्रेन जो है बहुत दूर है, और वहां से टॉय ट्रेन जब चल के आ रही है, तो उसने जो फोकस पॉइंट है ना उस टॉय ट्रेन के ऊपर रखा है, ओके, टॉय ट्रेन के ऊपर रखा है। एंड बाकी का जो पीछे वाला एरिया ना, अब उसके लिए सब्जेक्ट क्या हो गया, वो जो टॉय ट्रेन है, वो टॉय ट्रेन के पीछे तो कुछ है ही नहीं, हाँ बैकग्राउंड है ही नहीं ना, तो टॉय ट्रेन दिस इज अ सब्जेक्ट, बट द फोरग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा, क्योंकि 2.8 वो यूज कर रहा है, करेक्ट। तो वहां पर फोरग्राउंड ब्लर हो गया। सेम इमेज मैंने क्लिक किया था बहुत पहले, जो ऐसा ही एक शॉट मैंने क्लिक किया था, वो किसी कंपटीशन में भी गया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो उसमें भी सेम इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया था। अभी फॉर एग्जाम्पल ये एक शॉट है, इस शॉट में आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ क्लियर है। अब ये बेसिकली मैंने बहुत ज्यादा माउंटेन के ऊपर से शॉट लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है, और ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट। ये सब कुछ तो क्लियर है। फॉग फॉग वाला पार्ट भी एक्चुअली वो फॉग करके वो ब्लर है, अदरवाइज पूरा राइट इमेज ही क्लियर है। क्लियर है। तो ये आपका डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा है इसमें, इसके लिए क्लियर किया गया है। और अगर मैं सेम आपको दूसरा एक इमेज दिखाता हूँ, जो सेम टॉय ट्रेन का मैंने क्लिक किया था, तो आपने इसमें अपर्चर बहुत छोटा ओपन किया होगा बेसिकली। नहीं, अब इसमें क्या है, इसमें अपर्चर 2.8 उन्होंने लिया हुआ है, तो 2.8 जो है वो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन ओपनिंग बहुत नहीं नहीं बढ़िया पर है। मैं आपका पिक्चर का बात कर रहा हूँ। आपने जो माउंटेन शूट किया था हाँ, उसमें माउंटेन, राइट अपर्चर, राइट उसका बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। वहाँ पर इश्यू क्या हुआ कि जब मैं शूट कर रहा था ना, तो ये तब शॉट लिए गए जब मुझे फोटोग्राफी नहीं आती थी, मुझे ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं थे, तो मैं क्या करता था, जो भी कैमरा में मुझे ऑप्शन मिल रहा है उसको ट्राई करता रहता था, तो मैंने शॉट्स लिए थे ये। तो अभी ये जैसे माउंटेन्स में शूट कर रहा था, तो उस वक्त मैंने अपर्चर को 8-11 कर दिया, एंड ट्राई कर रहा था कि शॉट कैसे है, फिर एक्सपेरिमेंट करते जा रहा था। तो अभी देखिए ये जो टॉय ट्रेन वाला शॉट आपने देखा ना, सेम शॉट हाँ जैसा जैसा ये शॉट मैंने क्लिक किया है, जो माउंटेन में ये माथेरान करके एक महाबलेश्वर, सॉरी हिल स्टेशन है मुंबई के पास, तो वहां पर पहाड़ों के बीच में से टॉय ट्रेन आती है। अब मैं बहुत दूर था, मैं बहुत दूर होके कम से कम एक पहाड़ दूर था मैं वहां से जहाँ पे टॉय ट्रेन है वहां पे, और मैंने इसी बेसिक कैमरा से ये शूट किया था, जो भी मैं आपको डिमोन्स्ट्रेशन करवाता हूँ ना, ये बेसिक कैमरा से ही मैंने शूट किया था शॉट 135mm पे। तो आप देख सकते हो सिर्फ टॉय ट्रेन जो वो मैंने फोकस में रखी थी, बाकी सब कुछ मैंने डी फोकस में कर दिया था। एग्जैक्टली। टॉय इसमें ट्रेन का फोकल जो लेंथ आपका फोकस, काफी, मतलब आपने अपर्चर को बड़ा ओपन किया हुआ, आई थिंक 2.8 तक। नहीं अब ये जो शॉट मैंने क्लिक किया था ना, मैंने मिनिएचर इफेक्ट के अंदर क्लिक किया था। मिनिएचर कैमरा के अंदर हमको एक इफेक्ट मिलता है जिसमें मैं एक पर्टिकुलर जोन को फोकस रख सकता हूँ, ऊपर नीचे ब्लर हो जाएगा। इसके लिए आप अगर देखोगे ध्यान से, तो मेरा यहाँ से जो जोन चालू हुआ है डेप्थ ऑफ फील्ड का, वो यहाँ से ये पूरा का पूरा सेंटर वाला पार्ट जो है ना वो फोकस में है, ऊपर और नीचे मैंने आउट फोकस कर दिया, राइट। क्योंकि मुझे उस एक्चुअली वक्त ये ऊपर और नीचे ब्लर है और सेंटर में क्लियर है। सेंटर में क्लियर है। अभी जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे फोकस इतना पता नहीं था ना कि फोकस पॉइंट भी होते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी में सीखा नहीं था उस वक्त,
तो जो कैमरा आया था जैसे कि रहता था वो ये ले लिया था कैमरा मैंने, तो मैं इसमें जैसे आ रहा है वैसे ट्राई करता रहता था एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट करते तो उसमें मिनिएचर इफेक्ट मिला, तो मैंने बोला चलो इसको मिनिएचर को ट्राई करते हैं यहाँ पर, और उसको मैंने ट्राई करके यूज़ कर लिया, तो चल रहा था तो अच्छी बात है, चलने दो जितना चलाना है। तो वैसे अलग अलग इमेजेस मिले, अब इसको मैंने फिर ना कॉम्पिटिशन्स में भी दे दिए थे, और इसी को डिमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ करने लग गया। जैसे ये वाला शॉट है, अब इसमें सब कुछ लैंडस्केप है, तो इसमें आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा अपर्चर क्लोज करने की कोशिश की गई है, राइट, लैंडस्केप है ना इसके लिए। अपर्चर को बहुत स्मॉल पे लिया गया है ना, एग्जैक्टली मे मैंने बी असल में एफ इसको इलेवन इलेवन पे लिया हो गया होगा। F11 नहीं उससे भी ज्यादा आई थिंक F16 मैंने किया था इस पे, क्योंकि ये दोपहर के टाइम का शॉट है, तो दोपहर के टाइम में लाइट जो है वहां पर बहुत ही ज्यादा लाइट मिल रहा था इसके लिए, तो ओके लगभग F14 के आसपास शॉट लिया गया होगा इसमें। ओके ठीक सेकंड दो है, I'm close भाई, मतलब मुझे समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है कि भाई ये परचेज क्या होगा करके, मतलब मोर लेस है ना। एग्जैक्टली तो हाँ अभी कैसे आपको, आप जो जजमेंट लगा रहे हो ना वही हाँ इम्पोर्टेंट है, कि ये जजमेंट ही हमको ट्राई करना है कि हमारे कितने सारे अलग अलग ना अलग अलग इमेजेस में हम लोग ट्राई करते रहते हैं, ये आपने देखा। अब उसके बाद में अगर मुझे लगाना है ये शॉट है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, राइट, हाँ सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो क्या है, लार्ज है, क्योंकि मुझे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। वही अगर मुझे चाहिए होता कि सिर्फ समुंदर जो है वो प्रॉपर क्लियर दिखाई दे, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल इमेज क्लिक करता विद अपर्चर लो। अब वैसे ही ये शॉट्स मैंने क्लिक किए, ये स्लो शटर स्पीड का शॉट है, तो इस शॉट को शूट करते वक्त मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ा था, जो नदी के समुद्र, ये एक्चुअली समुंदर का एरिया है जहाँ खाड़ी होती है ना मैनग्रोव वगैरह, वहाँ पर, हाँ तो वो वहाँ मिलता पे है यहाँ पे। हाँ जी, तो वहां पर मैं सुबह गया था लगभग 5:30 बजे के आसपास, ये स्लो शटर स्पीड पे हैंडेड शॉट लिया है मैंने, क्योंकि पर मुझे एक चीज समझे, स्लो शटर स्पीड आप क्यों यूज किए थे लाइट ज्यादा आने के मुझे लिए? नहीं, लाइट भी ज्यादा आने के लिए, बट मैं चाहता था कि ये जो आसमान है और ये जो पानी है वो एक जैसा दिखाई दे। तो अभी ये पानी जो था, पानी समुद्र का, तो उसमें वेव्स रहते हैं ना, तो वेव्स आपको अगर हाई शटर स्पीड रहेगी तो वो प्रॉपर क्लिक हो गए, मुझे यहाँ पर पूरा अभी मुझे स्लो पूरा दिख सब रहा कुछ था। एक बैलेंस दिख रहा है ना। हाँ तो अभी इसको और भी स्लो अगर मैं करता तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन दिखाई देता आपको पानी का, स्लो शटर स्पीड में, ओके ओके तो पूरा आसमान जो है वो नीचे एज इट इज आपको दिखाई देता। वैसे करेक्ट अब करेक्ट ये करेक्ट, मतलब सेम जस्ट शॉट मिरर दिखता, वहां से हाफ मिरर हो जाता है इमेज। एग्जैक्टली, अब ये जो है ये आपको मैं बोला था ना कंपोजिशन पार्ट, अब ये शॉट है, ये शॉट मुंबई के CST के आसपास, कुर्ला के आसपास कहीं पर मैंने शूट किया है, जहाँ पर गांव की गाड़ियाँ ये पार्किंग में लगी होती है। तो अगेन हाँ मैं ट्रेन से नीचे उतर गया था, बहुत सारे 2-3 किलोमीटर ट्रैक पे चल रहा था, तब जाके ये लोकेशन मिला। तो अब इस पूरे इमेज में आप देखोगे तो आपका सबसे पहला ध्यान कहाँ पे जा रहा है, ट्रेन पे जा रहा है। ट्रेन पे जा रहा है, राइट, ट्रेन पे क्यों जा रहा है ध्यान आपका, बाकी किसी भी जगह पर ध्यान नहीं जा रहा है, ट्रेन पे ही जा रहा है क्यों। एकदम सेंटर पे है। एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर जो मैंने उसको सेट किया है कि आपका जो बेसिकली पूरा का पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दैट इज द ट्रेन, तो ये जो होता है इसको बोला जाता है लीडिंग लाइन, जिसको आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से आप कोई भी पॉइंट डिवाइड करते हो, जहाँ पर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप ऐसे देखाओगे कि अभी आपका व्यूअर उसी को देखना चाहिए, तो एक ही सिंगल पॉइंट से पूरा इमेज जो है वो फॉर्म होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर मैं पॉइंट रखता हूँ तो यहाँ से एक लाइन जा रही है, एक लाइन वही यहाँ मैं से था, जा वो रही है, देख एक रहा हूँ लाइन यहाँ नीचे से, भी आ रहा है, वो यहाँ ऐसा से ये पूरा जा ऐसे जा रहा रहा है। एग्जैक्टली यही एक है, आपका उसके लिए वो मेन वहां पे जा रहा है। करेक्ट, तो हमको ये देखना पड़ता है कि आपकी इमेज में जो लीडिंग लाइन से कौन सी है, आपको कब कहाँ पे कौन सा इमेज शो करना है। अगर और भी हम लोग देखते हैं, इसमें अपर्चर जो है वो बहुत छोटा रहेगा, हमने हाँ देखा था ना वो मैं अपर्चर बता अगर छोटा सकता हूँ, रहेगा अपर्चर छोटा। तो हाँ बैकग्राउंड ब्लर आता है, तो इसमें अपर्चर हाँ बहुत छोटा होगा, राइट। अभी अगर मैं दूसरा देखूं, ये मैंने शॉर्ट सबको दिखाए थे ना, जो इसमें मैंने सब में डेप्थ ऑफ फील्ड सब में मैंने अपर्चर बहुत ज्यादा बड़ा रखा था, मतलब अपर्चर बहुत क्लोज करके रखा था मैंने, 8-11 के आसपास इसमें शूट करा था मैं। हाँ क्योंकि पिक्चर पूरा कहीं सब जगह फोकस्ड है, कहीं भी ब्लर नहीं है, मतलब बेसिकली मुझे बैलेंस फोटो चाहिए जिसमें ब्लरनेस कहीं नहीं चाहिए, तो मुझे इस पर्चर को छोटा करना पड़ेगा बेसिकली। हाँ राइट, अपर्चर को छोटा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अब जैसे ये एक शॉट है, अच्छा हाँ डॉक्यूमेंट्री है,
इसमें मुझे नहीं पता था कि कैसे क्लिक करना है, तो मैंने यहाँ पर का जो नॉर्मल है ये अपर्चर उसको ही यूज कर लिया एंड मिनिएचर इफेक्ट डाल के शूट कर लिया। बट एक्चुअली यहाँ पर मिनिएचर इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं थी, राइट? मिनिएचर इफेक्ट डालना चाहिए था ना मुझे, तो मैंने यहाँ पर मिनिएचर इफेक्ट डाल दिया। बट एक्चुअली मुझे यहाँ पे फोकस पॉइंट से खेलना चाहिए था, तो उस वक्त मेरे पास नहीं था, नॉलेज नहीं था मेरे पास इसके लिए। ओके तुमने यहाँ पर इसको शॉर्ट क्लिक किया है।